अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू स्ट्रीट इट्स पाकिस्तान। और आज हम लोग फाइनली हम लोग आ गए स्टार टिक्का, जो कि हमारी पाइपलाइन में काफी ज्यादा अरसे से था। हम लोग कहते थे यार के खाने हैं तो स्टार टिक्का खाना है। बीच में गिले काफी ज्यादा आता था क्योंकि मौसम वगैरह थोड़ा गर्म था। अब मौसम जो है ना आइडियल हो गया टिक्के शिक्के खाने के लिए। तो इसी सिलसिले में जी मैं अपने साथ बड़ा एक मेरा अच्छा दोस्त मलिक साहब को लेके आया हूँ। बड़े अरसे बाद आप आए। बेसिकली ये एक स्टार टिक्का है, सही है। ये वाला सबसे जो पहले खुला था ये वो है जहाँ पे हाजी साहब बैठते हैं। ये साथ वाला आप देख सकते हैं अब्दुल सितार टिक्का हाउस, ये वाला इनके भांजों का है। तो अगर आप लोग जब भी इधर आए, अगर आप लोग जेन्युइन वाले पे आना, ओरिजिनल वाले पे, तो वो है स्टार टिक्का, हाजी अब्दुल सितार टिक्का। टिक्के शिक्के की बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है भाईजान। तो मलिक साहब कहाँ बैठा जाए? इधर ही बैठा जाए मेरे ख्याल। सीटिंग आउटडोर ही आज के लेने की। बाकी इस जगह की वाइब बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजे की वाइब है। सही है, हम लोग कॉलेज रोड पे ये वाक्य है। और आप आसपास देख सकते हैं पिंक टी वाला भी है, सूप यखनी भी है, मतलब एक प्रॉपर इन्होंने ना फूड स्ट्रीट बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल में एक आज का हमारा जो टूर है वो काफी वर्थ इट होने वाला है। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआएं, अल्लाह का करम, मालिक का करम। सर जी हमारी आज जो ख्वाहिश है, हमारी जो दिली ख्वाहिश है, वो आज के दिन पूरी होने वाली है इंशाल्लाह। स्टार टिक्का पे आके, सही है। तो आप थोड़ा बताएं पहले जी स्टार टिक्का की हिस्ट्री के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, क्या खासियत है? ये 1965 में हाजी सितार साहब, यानी कि जो मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, आपके माशाल्लाह वालिद साहब हैं। सही सही। हाजी अब्दुल सितार साहब, जिनकी ये तस्वीर लगी है आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल देखी है। ये मेरे वालिद साहब हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। आदिल बड़ा ज्यादा काम लगा हुआ इनका जी, बता रहे थे आप। उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ये 1965 में शुरू किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अल्लाह पाक का करम है। ठीक है, आपका माशाल्लाह मैं स्टाइल देख रहा हूँ, बड़े मजे से वो सीखे उठा रहे, ये कर रहे हैं बड़े मतलब माशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से। ये मैं शागिर्द हूँ भाई साहब का, अपने वाले साहब का। अच्छा, उन्होंने सिखाया आपको? सारा उन्होंने मुझे अपने हाथ से सिखाया। ये सारी मैरिनेशन जितना भी है, हाँ, सब हाँ, कुछ मैं अपने अब्बू से सीखा हूँ। सही सही। हाजी साहब से। तो मैरिनेशन में ऐसी क्या खासियत है आपके और किस तरह है? मैरिनेशन में जो सबसे चीज मैंने रखी ना, खुद जाके परचेजिंग करना, खुद लेकर आना, मसाले वगैरह खुद बनवाना। अच्छा। और इसकी कटिंग भी हम खुद करते हैं, इसकी सफाई भी हम खुद करते हैं, और हर चीज मेरे जो वाली साहब हैं हाजी अब्दुल सितार साहब, माशाल्लाह सितार टिक्के वाले, ये सारा काम उनकी जेरे निगरानी में होता है। अच्छा, तो इसी वजह से वही टेस्ट आज भी मुकर्रर होगा है? जी जी इंशाल्लाह आप खाएंगे, आप भाइयों को पसंद आएगा, और जो भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो तो हमने सुना हुआ है भाई, हम तो बड़ी काफी अरसे से प्लान कर रहे थे इधर का। आदिल ये बात सुनी, आदिल आवाज बनाते हैं ना, 2-3 दफा मैंने सुना आदिल का आप बड़ा। तो रोज के कितने केजी बनाते हैं आप चिकन? चिकन बीफ अल्लाह पाक की मेहरबानी से बीफ हमारा 30-35 केजी। अच्छा माशाल्लाह निकलता है, वो खाली बीफ टिक्का ही है। सही सही। और ज्यादा काम शाम को ही करते हैं, सुबह तो बंद होता होगा आपका ना? सुबह हम ये खुद लेकर आते हैं, परचेस करते हैं और उसको रेडी करते हैं, और शाम को हम तैयार करते हैं। सही, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फाइनली काफी कम इंतजार के बाद, शुक्र है क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, खाना आ गया। सही है, हम लोगों ने बड़े एक अपनी तरफ से बड़ा एक आर्ट मारा है ऑर्डर करते हुए। सबसे पहले मलाई बोटी मंगवाई हमने, फिर हमने चिकन बोटी मंगवाई, उसके बाद हमने बीफ कबाब मंगवाया, और फिर हमने बीफ टिक्के मंगवाए। सही है, लेग पीस भी मंगवाना था लेकिन हमने कहा यार नहीं, वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मशहूर है इनका, इवन भाईजान ने भी हमें यही मशवरा दिया कि यही चीज़ आप ऑर्डर करें। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं मलाई बोटी, जो कि यहाँ की हाईली रिकमेंडेड है। सही है। उफ यार मलिक साहब टेंडर तो लग रही है पूरी, देख रहे हैं क्या करें। क्या सर मजा है यार, अच्छी है। थोड़ी सी मुझे लग रही है कि मलाई जैसा, जो मलाई बोटी होती है उसमें आपका स्पाइस लेवल नहीं होता इतना, इसमें थोड़ा सा मुझे स्पाइस लेवल लगा है, सॉल्टिश थोड़ी लगी है मुझे। वैसे अच्छी है, टेंडर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेंडर है। सही है, बहुत ज़्यादा टेंडर, मेरे बड़ी अच्छी ना लेवल मारा है जी। अब हम ट्राई करते हैं चिकन बोटी। अच्छा ये बोनलेस वाली नहीं है, ये दूसरी थी हड्डी के साथ वाली थी, ये भाई को तो हड्डी वाली पसंद है आपको। अच्छा ये भी हम देखते हैं, टेंडर तो बहुत ज़्यादा है ये यार, मसाला अच्छा है इसका, जूसी है, बहुत अच्छी, बहुत जूसी है, बेहतरीन है। मसाला कोई इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं है कि आपको साथ ही पानी पीना पड़े, जैसे अभी मैंने चटनी नहीं खाई लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा मसाला लग रहा है। अब मैं एक दफा चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। अच्छा
जबरदस्त जूसी टेंडर, जो वो साइंस बता रहे थे ना मैरिनेशन की, वो मुझे इसमें नजर आई है। अब हम ट्राई करते हैं जी भीम कबाब। भीम कबाब हम जी मलिक साहब की रेफरेंस में खा रहे हैं, इसके इन्होंने रेकमेंड किया था, और ये भी बड़े ज्यादा यार जूसी है यार, बहुत सॉफ्ट है, मतलब हाईली रिकमेंड है भाई। ये देख रहे हैं प्रॉपर बीफ सीख कबाब है ये, और मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा कि आप जब इधर आए तो लाजमी खाएं। मोहन साहब मांग गए थे आपकी फूड ब्लॉगिंग को। अच्छा अब आखिरी चीज आ जाती है बीफ, बीफ बोटी, इसकी भी आप टेंडरनेस देखें खाली, और चीजें छोड़ें, ये देख रहे हैं अमेजिंग है यार, बहुत शानदार है। मेरी रिकमेंडेशन पे ना मैं अगर बताऊँ अपनी सजेशन दूं मलिक साहब, नंबर वन पे मैं बोलूंगा बीफ कबाब, नंबर टू पे मैं बोलूंगा बीफ बोटी, थर्ड पे बोलूंगा चिकन बोटी, फोर्थ पे बोलूंगा मलाई बोटी। हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से मलिक साहब, दसो जी मैं करता हूँ ट्राई। बीफ बोटी, बीफ टिक्का, बीफ टिक्का बोटी अच्छा, थोड़ा सा सख्त है। अच्छा मेरे पास तो नरम वाला पीस आया, वो कुछ पीसीज में है लेकिन अच्छा। अच्छा ये भाईजान ने हमें सीख ला के दी है, इसके साथ एक मलिक साहब ये वाला एंगल हो जाए, वुल्वरीन बन जाते, वुल्वरीन बन जाए, गरम गरम सीखें भी आ गई ये साथ था। कबाब बहुत जबरदस्त था, सॉफ्ट था कहते हैं आम बै, और बाकी चले मैं इसको चेक करता हूँ चिकन बॉडी को। बॉडी सॉफ्ट है, स्पाइसी कौन गया मैं दूंगा। अच्छा और मजे के, मतलब अगर आप स्पाइस फ्लेवर है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब आ जाइए मलाई बोटी पे, लास्ट आ गई मलाई बोटी, जिसको चटनी का खाते हैं, जबरदस्त जबरदस्त, ये सबसे सॉफ्ट है। सबसे मैं तेरे से पूछता हूँ जी, सबसे बेहतरीन कौन सी लगी है? मुझे पहले नंबर पे जो लगी है कबाब है, सही है। दूसरे नंबर पे चिकन बोटी, सही है। तीसरे पे बीफ टिक्का, चौथे पे मलाई बोटी, चौथे में। अच्छा मजे की बात यहाँ पे ये है, हम जब इधर आए तो हमें बोला कि भाई ये हाईली रिकमेंडेड है मलाई बोटी, लेकिन मेरे ख्याल में हम दोनों को मतलब के सेम पोजीशन में मलाई बोटी को रखा, हम साथ में मलाई बोटी है। लेकिन ये वाली रिकमेंडेशन बहुत फिट थी, कबाब साहब से फिट है। स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप फॉलोइंग स्ट्रीट ईट्स पाकिस्तान, थैंक यू।